हेलो गाइस, दिस इज कंचन शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल स्टडी हेयर स्टाइल। सो आज की मेरी क्लास होगी इंग्लिश स्पीकिंग की, फिर उसी रूल अबाउट ट्रोपिक जिसके पे पहले कुछ प्रीवियस क्लासेस में मैं इसके अफर्मेटिव सेंस और इनके आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाइड किया जाए, इसकी पहचान, इसके रूल सब डिस्कस कर चुकी थी। सो आज की क्लास में मैं इसके कुछ आगे के जो पार्ट्स हमारे रह चुके हैं जैसे कि इंट्रोगेटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट भी, तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अबाउट ट्रू आप वहां पे लगाएंगे जहां पर आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे, क्या वर्ड दिखाई दे, वाला है, ओके, वाली है, वाले हैं, वाला हो, मैं काम करने वाला हूँ, तुम स्कूल जाने वाली हो, सीता पत्र लिखने वाली है, मम्मी खाना बनाने वाली है, पापा ऑफिस जाने वाले हैं। तो देखो बच्चों कितने सारे सेंटेंस हैं। तो इन सेंटेंस के लास्ट में जो भी आप देख रहे हैं कि वाला है, वाली, तो उसकी इंग्लिश ओवरऑल क्या होगी, अबाउट टू। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का बता चुकी थी, इसका अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, रूल की बात करूँ, तो उसका आपका रूल बनेगा एक ही रूल से हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो रूल इसका होगा, सबसे पहले आपको पता है जैसे कि रूल हमारा चलता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहां लिख लीजिए नीचे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट ट्रू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये रूल है। आज हम सारे सेंटेंस, सारे पोर्शन, जो भी हमारे पार्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, वो सब इसी रूल से कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, सबसे पहला एग्जांपल है हम दिल्ली आज जाने वाले हैं। देखिए दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस है। रोल की बात करें, रोल से बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको हो गया यहाँ पे वी, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे वी हो गया, हेल्पिंग वर्ब अगर वी आपका प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है इज आर एम, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो वाज वर, अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में है तो विल शैल। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वी के साथ में आ जाएगी आर, आर इसलिए आएगी क्योंकि वी हमारा बहुवचन है, प्लूरल है। वी के तुरंत बाद आपको अबाउट टू लिखना है, अबाउट टू वर्ब, वर्ब क्या आपके जाना, ठीक है, जाने की आपकी हो गई गो, टू ऑब्जेक्ट क्या आपका दिल्ली, कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, ओके, और बाकी आपका एक्स्ट्रा वर्ड क्या बचा, दिल्ली, सॉरी बात कीजिएगा, आज, आज की आपकी हो गई टुडे। सो वी आर अबाउट गो टू दिल्ली टुडे, आज हम दिल्ली जाने वाले हैं। अगर आप इसका नेगेटिव देखें, नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे अबाउट, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे तुरंत बाद आपको यहाँ पे नोट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कहाँ पे नोट आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि वी आर नॉट अबाउट टू गो टू दिल्ली टूडे, यहाँ पे सेम प्रोसेस आपका ऐसे चलेगा, बस आपको नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव में आपको सॉरी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको नोट रखना है। अगर मैं बात करती हूँ इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव में जैसा मैं कहूँ यहाँ पे क्या हम दिल्ली जाने वाले हैं, तो जो आपके हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई है वो हेल्पिंग वर्ब आपके बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है, कैसे, आर वी अबाउट टू गो टू दिल्ली, ओके, आर वी अबाउट टू गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली जाने वाले हैं। और अगर इसका मैं डबल इंट्रोगेटिव बनाऊं, ये आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया है, और उसका डबल इंट्रोगेटिव अगर मैं देखूं कि हम दिल्ली क्यों जाने वाले हैं, ठीक है, या हम दिल्ली कब जाने वाले हैं, तो जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्वेश्चन वर्ड आपका बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग ग्रामर के रूल जानते हैं कि अफर्मेटिव में आपका सेंटेंस एज इट इज चलता है, नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाते हैं, और फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आप उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के ऐसा फर्स्ट पॉइंट पे रखते हैं, एंड सेकंड इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा जो कि क्वेश्चन मार्क करता है वहां पे, हम दिल्ली कब जाने वाले, तो कब की इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पे वैन, फिर आपका सेम ऐसे चलेगा वैन आर We about to go to Delhi, हम दिल्ली कब जाने वाले, ओके, तो इस तरह से आपकी रूल्स के यहाँ पे
अफर्मेटिव का पूरा होता है अबाउट टू। देखिए बच्चों इसी तरह से मैं आपको आगे बता दूं, रूल आपके इसी पे चलेंगे, आपके सारे सेंटेंस इसी पे चलेंगे। जैसे अब मैं आपकी बात करूं यहाँ पे पास्ट की, ठीक है, जैसे मैं पास्ट की बात करती हूँ, पास्ट जैसे कि आपको पता है पास्ट की था थी थे होती है और इंग्लिश इसकी वाज वर होती है, ठीक है, वाज वर। एक वचन के साथ आपका वाज आएगा और बहुवचन के साथ आपका वर आएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए हम और ले लेते हैं, सीता स्कूल जाने वाली थी, ठीक है। अब देखिए सीता क्या है, सीता एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, सीता के संग वास आ जाएगा। वास हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारा टेंस ही पास्ट में है, पास्ट के लिए हमेशा वास वही हेल्पिंग वर्ब आती है। सीता वास तुरंत आप हेल्पिंग अबाउट टू रखेंगे, सीता वास अबाउट टू, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब आपकी क्या, जाना, गो टू स्कूल। नेगेटिव ठीक इसी तरह होगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के पास नॉट करना है, सीता वाज नॉट अबाउट टू गो टू स्कूल, ठीक है। इंट्रोगेटिव में ये वाज बाहर निकल के आ जाएगा, वाज सीता अबाउट टू, आगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस गो टू स्कूल, ठीक है। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव में आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे सीता स्कूल क्यों जाने वाली थी, ओके। तो बच्चों देखिए सेंटेंस में जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले आपको लेके आनी है, ठीक है, क्योंकि आपकी वाई, वाई के बाद तुरंत आपकी हेल्पिंग वर्ब, वाई वॉज फिर सीता फिर आपका अबाउट टू, ओके, अबाउट टू गो टू स्कूल, ओके। ये आपका हो गया किसमें, पास्ट में, ठीक है। अगर इसी तरह हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में आपका क्या होता है, फ्यूचर में आपका पहचान होती है गा गी गे, ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है विल, ठीक है, एंड शैल। पता है आपको शैल किसके साथ, आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ, अन्य के साथ आपकी, बाकी लोग बाकी कर्ताओं के साथ क्या आएगा, आपका विल आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, वे लड़के तुम्हें पीटने वाले होंगे, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे क्लेरिफिकेशन के लिए वाला शब्द हैंड टू हैंड चलता जा रहा है, हर सेंटेंस में आपको वाला दिखाई दे रहा है, अगर वाला है बस आपको अबाउट टू लगाना है, और ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा किसमें, फ्यूचर में, फ्यूचर में जैसे हमें पता है हेल्पिंग और विल और शैल होती है, शैल के साथ, शैल आई और वी के साथ आ जाए, और बाकी जितनी भी आपकी कर्ताएं हैं जितना भी सब्जेक्ट है उसके साथ में आपको वी आता है। तो वे लड़के दोस बॉयज, ओके, अब लड़के हैं आई और वी से तो नहीं है, तो यहाँ पर हम रखेंगे विल, दोस बॉयज विल अबाउट टू, अब क्या पीटने वाले, ठीक है, पीटने वर्ब क्या आपकी बीट, और किसे पीट रहे, तुम्हें, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया यू, ओके। सो नेक्स्ट इज दिस, दोस बॉयज विल अबाउट टू बीट यू, ठीक है, वे लड़के तुम्हें पीटने वाले हैं, ओके बच्चों। तो इसी तरह आपका नेगेटिव इसी पैटर्न बनेगा, बस आपको यहाँ पे विल के बाद तुरंत नॉट रखना है, ठीक है। अगर आपका इंट्रोगेटिव होता है तो ये जो विल है ये विल आपका बाहर निकल के आ जाएगा, विल, बाकी सेम सेंटेंस आपका ऐसे चलेगा। अगर आपका ये पैटर्न डबल इंट्रोगेटिव में होता है तो डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड चाहे जो भी हो, वाई हो, ठीक है, वाई फिर आपका विल, वाई विल, बाकी आपका दोस बॉयज, और बाकी सेंटेंस आपका सेम इसी सीक्वेंस में चलेगा, अबाउट टू बीट यू, ठीक है बच्चों। तो जहां तक हमें देखने को मिला कि जो रोल था आपका अबाउट टू, ये बहुत ही इजी रोल था, आप इसको अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने इंट्रैक्शन में, सोसाइटी में बिल्कुल यूज कर सकते हैं बहुत इजी वे पे, और इसको मैंने समझाया भी बहुत इजी वे में, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा जो आपका फॉर्मेट है, जो आपका रूल है, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को, अपने वर्ब को, अपने ऑब्जेक्ट को रखिए, और सब में चेंजेस करते चलिए सारे टेंसेस में जो लास्ट में काल दे रखे, ठीक है। तो आप वीडियो को देखिए ध्यान से बार बार, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।